प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू निदास नोट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ क्रिमिनल लॉ, व्हिच इज व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी। कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी जो है वो बेसिकली आपको बताती है कि अगर दो या दो से ज्यादा लोग जो है किसी भी एक क्राइम को कमिट करने के लिए कॉमन इंटेंशन रखते हैं, तो उनमें से वेदर एक वो क्राइम करे या दो करे, उनकी लायबिलिटी जो है वो एक जितनी है, मतलब कोर्ट के सामने वो इक्वली लायबल हैं। उनमें दोनों का पार्ट जो है वो इक्वली है। इसमें जो इंट्रोडक्शन में वो आपको बताती हूँ, कहते हैं सेक्शन 34 एंड 149 ऑफ पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड डील विद कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी। सेक्शन 34 एंड 149 जो पीपीसी के हैं वो इस ये कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी के साथ डील करते हैं। लायबिलिटी ऑफ ऑल फॉर एक्ट्स डन बाय वन और मोर, कहते हैं लायबिलिटी सब लोगों की लायबिलिटी, चाहे वो एक बंदे ने किया है या एक से ज्यादा बंदे ने किया है। These sections were introduced to meet cases in which it may be difficult to apportion the liability of each member according to his participation in the commission of crime. उनका basically ये जो section है ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि हर एक बंदे की जो liability है किसी भी crime को commit करने में उसको जो है वो maintain किया जा सके, उसको assess किया जा सके कि एक crime हुआ है और उसमें एक से ज़्यादा लोग involved हैं और हर एक की उसमें liability जो है वो कितनी है, उसकी participation कितनी है। इसमें जो फर्स्ट आपका सेक्शन है वो है कॉमन इंटेंशन, जिसका सेक्शन है 34। सेक्शन 34 की जो वर्डिंग है वो आपको कहती है कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरनेस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, जब कोई भी क्रिमिनल एक्ट जो है किया जाता है बहुत सारे लोगों के जरिए इन फर्दरनेस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, और उन सब लोगों का जो कॉमन इंटेंशन है वो एक ही होता है कि हमने कोई क्राइम जो है कमिट करना है। Each of such person is liable for that act in the same manner. तो वो जितने भी लोग हैं उन सब की वो equally liable हैं उसी तरह as if it were done by him alone. इसी तरह जैसे अगर ये crime किसी एक बंदे ने किया होता। Common intention means unity of purpose और a pre-planned, pre-arranged plan. वो कह रही हैं जो common intention है basically क्या है कि आपने किसी भी काम को करने में आपकी unity है और pre-arranged plan है, आपने पहले से ही सारी arrangement की हुई है। तो कॉमन इंटेंशन बेसिकली आपको क्या बताता है कि किसी एक काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल मर्डर करने के लिए आप दूसरे लोगों के साथ मिलकर प्लान बनाते हो, आपका कॉमन इंटेंशन है, बट उस कॉमन इंटेंशन में आप बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करते हो, तो उसमें जितने भी इन्वॉल्व लोग हैं, चाहे अब वो कत्ल चाहे ए फॉर एग्जाम्पल ए करने जाता है बट बी और सी भी उसके साथ इन्वॉल्व है, तो बी और सी भी इक्वली लाइबल हैं उस मर्डर केस में। इसके असेंशियल्स जो है वो कहते हैं टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग कॉमन इंटेंशन के, दे मस्ट हैव अ कॉमन इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस, और उनका ये कॉमन इंटेंशन हो, उनका ये इरादा हो कि हमने कोई भी ऑफेंस क्रिएट करना है, और ऑफेंस क्या है, कोई भी क्राइम जैसे आपका मर्डर है, डकैती है, किडनैपिंग है, ये सब। पार्टिसिपेशन बाय ऑल द अक्यूज्ड इन डूइंग एक्ट और एक्ट्स इन फर्दरनेस ऑफ दैट कॉमन इंटेंशन, और फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं सब अक्यूज्ड वो कॉमन इंटेंशन के करने की फर्दरनेस में, मतलब उस कॉमन इंटेंशन को रखते हुए वो कोई भी एक्ट जो है वो करते हैं। अब उसके बाद कॉमन जो ऑब्जेक्ट है उससे आपका सेक्शन 149 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड डील करता है। कॉमन अब ऑब्जेक्ट क्या है कि सब लोगों ने एक पहले तो कॉमन इंटेंशन था, उनका इरादा था, अब कॉमन ऑब्जेक्ट उन्होंने सोच लिया कि हमने एक जो हमारा किसी क्राइम को करने का हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्ट है, हमने इस चीज को अचीव करना है। ये जो आपका सेक्शन है वो कहते हैं इट क्रिएट्स अ स्पेसिफिक ऑफेंस, ये एक खास ऑफेंस जो है क्रिएट करता है, प्रोवाइडेड इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, अगर कोई ऑफेंस जो है कमिट होता है किसी भी मेंबर के जरिए जो कि अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, उस कॉमन असेंबली जो अनलॉफुल असेंबली ने कोई ऑब्जेक्ट जो है बनाया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल हमने जो है वो जो गवर्नमेंट है उसके फंक्शंस को डिस्टर्ब करना है, उन्होंने ये कॉमन ऑब्जेक्ट जो है बनाया हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि कोई भी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, वो उसको हासिल करने के लिए कुछ भी करता है, और सच एज द मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और उनमें से जो लोग हैं उनको लगता है कि जो भी वो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स हैं उनको लगता है कि वो जो भी एक्ट करने जा रहे हैं वो इसीलिए है कि उन्होंने अपना वो कॉमन ऑब्जेक्ट जो है उसको हासिल करना है। Every person who at the time of committing of that offence, हर वो बंदा जो उस offence को करने के time पर
वहां पर मौजूद था इज अ मेंबर ऑफ द सेम असेंबली इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस, अगर वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर था, उस असेंबली का मेंबर था जिन्होंने एक कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो बनाया था कि फॉर एग्जांपल कॉमन असेंबली, अनलॉफुल असेंबली क्या है? अनलॉफुल असेंबली है जब 5 से ज्यादा लोग जो है कहीं भी मिलते हैं और उनका मकसद जो है वो या तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना होता है, गवर्नमेंट के फंक्शंस को डिस्टर्ब करना होता है, या किसी भी और तरह के जो है वो मतलब अनॉयंस जो है इंजरी क्रिएट करना होता है, तो वो कह रहे हैं कि उनका उस कॉमन ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए उस असेंबली का वेदर एक बंदा कोई क्राइम करे या वो पांचों क्राइम करें, वो पांचों इक्वली जो है लायबल है कोर्ट के सामने. कॉमन ऑब्जेक्ट के जो असेंशियल है वो कहते हैं देयर मस्ट बी एन अनलॉफुल असेंबली एज डिफाइंड इन सेक्शन 141. जो अनलॉफुल असेंबली है वो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 141 में जो है बताई गई है. क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन बाय मेंबर ऑफ सच असेंबली. जो क्रिमिनल एक्ट वो किया है वो मेंबर उस असेंबली के मेंबर्स ने किया हो. एक्ट डन इज फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द असेंबली और सच वाज व्हिच वाज लाइकली टू बी कमिटेड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट. और वो कह रहे हैं उन्होंने जो एक्ट किया है कॉमन अनलॉफुल असेंबली के लोगों ने वो कॉमन ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए किया है. मेंबर्स हैव वॉलंटरली ज्वाइन द अनलॉफुल असेंबली. जो मेंबर्स हैं उन्होंने वॉलंटरली अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन किया है एंड न्यू द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द असेंबली और उनको पता है कि अनलॉफुल असेंबली किस मकसद के लिए बनी है. प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड इज नॉट नेसेसरी अंडर दिस सेक्शन. वो कह रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि पहले से उन लोगों का प्लान हो कि हम इस तरह एक अनलॉफुल असेंबली मेंटेन करेंगे या उनका माइंड जो है वो मिलता हो. मेयर मेंबरशिप इन क्राइम इज सफिशिएंट. अगर वो सिर्फ उस अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा है और वो ऑफेंस क्रिएट भी नहीं करना चाहते हैं, मतलब वो सिर्फ अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा है बट उनको पता है कि इस अनलॉफुल असेंबली का एक कॉमन ऑब्जेक्ट है जिसको हासिल करना उनका मकसद है, तो अगर वो सिर्फ उसमें शामिल ही है, उन्होंने उस क्राइम को करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, जैसे कोई मदद नहीं की है, फिर भी वो इतने ही लायबल है जितना कि वो पर्सन है जिसने वो क्राइम कमिट किया है. आई होप आपको ये कंस्ट्रक्टिव ज्वाइंट लाइबिलिटी का जो टॉपिक है वो समझ आ चुका होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई ऑल वीडियो.